हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करूंगा मार्वल डीसी और स्टार वॉर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे अपडेट के बारे में, तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार वॉर्स की अपकमिंग टीवी सीरीज ओबी-वैन, जो कि रिलीज होगी साल 2022 में। तो कंफर्म हो चुका है कि इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी अगले ईयर में, यानी कि 2021 में मार्च के महीने से। और देन ये गुड न्यूज है कि जितनी जल्दी शूटिंग स्टार्ट होगी उतनी जल्दी हमें अपडेट पता चलेंगे। स्टार वॉर्स की 3 नई अपकमिंग मूवी डिले हो चुकी है, जो कि रिलीज होंगी अब December 22, 2023 में, December 19, 2025, December 17, 2027, जो कि काफी ज्यादा लेट हो चुका है। उसी के साथ अब बात करते हैं सोलो से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो रूमर ये आया है कि डिज्नी काम कर रहा है इसकी स्पिन ऑफ टीवी सीरीज के लिए। जी हाँ, और देन इससे पहले प्रीवियस अपडेट ये भी आया था कि डायरेक्टर के पास सोलो 2 के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। और देन एक और अपडेट आया था कि सोलो 2 में लैंडो कैरेक्टर दोबारा से रिटर्न होगा। तो पता नहीं क्या हो रहा है सोलो 2 के साथ या इसकी टीवी सीरीज के साथ। अब जो भी ऑफिशियली अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसी के साथ अब बात करते हैं मार्वल्स के अपडेट के बारे में, तो जो कि है शैंग-ची से रिलेटेड। तो शैंग-ची जो अपकमिंग मूवी आ रही है, फाइनली इससे रिलेटेड एक बड़ा अपडेट यह आया है कि इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रोडक्शन पे काम चालू दोबारा से हो चुका है। कोरोना वायरस से थोड़ा ना पीछे हट चुके हैं, अब ये थोड़ा आगे बढ़ भी चुके हैं। और देन इतना आगे बढ़ चुके हैं कि 150 यार्ड में इसका पूरा सेटअप रेडी करा गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और देन ये काफी ज्यादा हाईलाइट में भी चल रहा है। और साथ ही साथ सेटअप को देख के ये लग रहा है कि शायद हमें शैंग-ची में जैपनीज का पुराना ओल्ड एशियन वर्जन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन भी लगी हुई है। ब्रिटिश एक्शन ने कंफर्म कर दिया कि वंडर वुमन 3 उनकी लास्ट मूवी हो सकती है डीसी यूनिवर्स में। तो यानी कि अब वंडर वुमन 4 भी हमें शायद नहीं देखने को मिलेगी। पॉइजन ली कंफर्म हो चुकी है कि हमें जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड में देखने को मिल सकती है। और जेम्स गन इसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों अब ये भी कंफर्म नहीं है। कैट का ऑफिशियली फुल HD आर्टवर्क लॉन्च हो चुका है, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। मार्वल दी एवेंजर्स गेम अपकमिंग जो है उसमें स्पाइडरमैन भी कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है, आप इसको लेकर भी प्ले कर सकते हैं। अगर ये कोलैब हुआ तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब बात करते हैं स्टार वॉर्स के अपडेट के बारे में, तो ये मैंडलोरियन टीवी सीरीज जो आ रही है उसका सेकंड सीजन, उसका ट्रेलर इसी मंथ में लॉन्च होने वाला है। तो गाइस बस डेट का वेट करिए और जैसे कोई अपडेट आएगा आपको बता दूंगा। फ्लैन थॉम्सन जो कैरेक्टर है स्पाइडरमैन 1 और 2 में, हमें अब ये कैरेक्टर पार्ट 3 में भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कुछ ओल्ड अपडेट के बारे में, तो माइकल जैक्सन कैरेक्टर प्ले करने वाले थे प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर, जी हाँ 2000 वाली एक्समैन मूवी में। तो ये बहुत ही अलग होता, अगर ऐसा होता तो शायद लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करते। उसी के साथ अगला अपडेट है बहुत ही कमाल का, तो फाइनली वंडर वुमन का प्रमोशन काफी जरूरी शोरों से चल रहा है। और देन आप जानते हो कि ये मूवी काफी ज्यादा डिले हो चुकी है, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अब दोबारा से डिले ना हो और ये मूवी हमें जल्दी देखने को मिले। उसी के साथ प्रमोशन जैसी चल ही रहा है तो चीता का भी ऑफिशियली POP लीक कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और देन ये चीता का लुक कह सकते हो आप, मैं लाइव एक्शन में जल्दी देखना चाहता हूँ, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जेसन मोवा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक डर्टी डांस की इमेज डाली, जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, मैंने सोचा कि इसको भी अपनी वीडियो में फीचर कर लिया जाए। इसी के साथ आप बात करते हैं मार्वल एवेंजर्स गेम के बारे में, तो इस गेम में हॉकआई भी कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी हाल ही में अभी एक टीजर लॉन्च करा गया है। और देन इस टीजर में उसकी पावर दिखाई गई है और देन उसका बेहतरीन लुक दिखाया गया है। और ये गेम शायद मे बी PS4 और आने वाले टाइम में PS5 में भी लॉन्च होगा, तो गाइस इंतजार करो। उसी के साथ रोग वन तो सभी ने देखी होगी स्टार वॉर्स, जिसमें कि मेन जो फीमेल कैरेक्टर है उसके लिए पहले रोल और ऑडिशन दिया था ब्री लैंसन ने, जो कि आज कैप्टन मार्वल का कैरेक्टर प्ले करती है। नोवा ने फाइनली कंफर्म हो चुके हैं कि वो ब्लैक एडम मूवी में स्मैशर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कमाल का विलेन है। और देन अभी हमें लाइव एक्शन में देखने को मिलेगा। उसी के साथ रूसो ब्रदर्स से रिलेटेड अपडेट ये है कि वो इन फ्यूचर शायद मे बी डायरेक्ट कर सकते हैं सीक्रेट वॉर मूवी, जो कि मार्वल्स एवेंजर्स एंड गेम के बाद एक बड़ी लेवल की मूवी बन सकती है, ऐसा रूसो ब्रदर का सोचना है। ये कोई ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है, बस जो अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ अब बात करते हैं फ्लैश, जो कि अपकमिंग एक बड़ी टाइम ट्रेवल मूवी है, तो इसमें फ्लैश की जो ऑफिशियली पैराडॉक्स वाली टाइम स्टोरी है वो देखने को मिलेगी, और आपको उसमें एक्वामैन और उसी के साथ वंडर वुमन का भी फाइटिंग देखने को मिलेगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।